चारबाग, उसके बाद ये चारबाग सैनल सैनल उन वर्ड इत है सैनल से हेयर इज रिटन द सैनल से आर्टिफिस सैनल सैनल से मीन्स सैनल से इंडिकेट्स इट टुवर्ड्स द केनाल्स नाउ इट इज यू कैन से दिस इज द केनाल्स यूजिंग फॉर द यू कैन से दिस इज द स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज नोन एज द चैनल से चैनल कहते हैं ना ये ऐसा टीवी चैनल नहीं टीवी में जो आते वाले चैनल आता है या कोई अदर चैनल से आते हैं आपके कार्टून चैनल आते हैं वाले चैनल नहीं है ये क्या है ये वाले चैनल ये केनाल जैसे आपके उन्होंने की गूगल जैसी दीज आर नोन एज द चैनल से तो ये स्ट्रीम है वाटर की वाटर स्ट्रीम इज नोन एज द चैनल से कहा गया है आफ्टर इट क्रोनिकलर उन्हें इत क्रोनिकलर क्रोनिकलर क्या है ए पर्सन हुम एडजस्टेड द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऐसा कोई क्या हो गया ऐसा आदमी जो क्या करे किसी भी इवेंट को ईयर वाइज सेट कर दे उसे हम क्या कहेंगे क्रोनिकलर सी एच आर ओ एन आई सी एल ई आर क्रोनिकलर नेक्स्ट इज द हियर इज द एट पैराडाइज और हस्त विशिष्ट विशिष्ट एट पैराडाइज और हस्त विशिष्ट इन वन सेंटेंस यू कैन राइट अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय द एट रूम्स इट इज नोन एज द हस्त विशिष्ट एंड एट पैराडाइज उससे आगे भी उसने लिखा है द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाक्स एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशनल नोन एज द एट पैराडाइज एट पैराडाइज उनके टॉम कहा जाता था या हस्त विशिष्ट कहा जाता है हस्त विशिष्ट नेक्स्ट इज द बांग्ला डोम बांग्ला डोम अब पीतादुरा की जब हम बात करते हैं तो पीतादुरा यहाँ पर दिया गया है पीतादुरा की अगर आप ऐसे समझ नहीं आता तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप चलो उससे पहले रिवर फ्रंट गार्डन दिया गया है रिवर फ्रंट गार्डन यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर घूम रहा है दिया गया है रिवर फ्रंट गार्डन का मतलब क्या है जो रिवर के सामने जो चार बाग बनाए गए थे उसे रिवर फ्रंट गार्डन कहा गया है अच्छा अब हम जो बात जो कर रहे थे किसकी बांग्ला डोम की बात कर रहे हैं बांग्ला डोम सो इट इज द बांग्ला डोम ये क्या था ये डिजाइन सॉरी बांग्ला डोम अभी यहाँ पर दिया है आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द बंगाल नोन एज द बांग्ला डोम ये है ना द आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स इन बंगाल नोन एज द बांग्ला डोम यहाँ पर लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वॉज डिजाइंड टू रिजेंबल अ थाइट हट द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम तो बांग्ला डोम कहा गया ना तो आप क्या कह सकते हैं द बिल्डिंग्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वॉज डिजाइंड रिजेंबल्स अ थाइट हट भी कह सकते हैं ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आर्किटेक्चर स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द बंगाल साइड नोन एज द बांग्ला डोम सो दीज आर द 18 फंडामेंटल्स यू हैव सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ इज द ट्राविड प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूट इट मीन्स द क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंस बिटवीन ट्राविड एंड आर्क्यूट सो आपको क्या करना है ट्राविड और आर्क्यूट में डिफरेंट लिखना है इट्स अ सिंपल ट्राविड में हमने क्या कहा था ट्राविड में कहा था कि टू वर्टिकल कॉलम्स एंड वन हॉरिजॉन्टल बीम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टू वर्टिकल कॉलम्स एंड वन हॉरिजॉन्टल बीम्स इन्होंने आई थे ट्राविड तीन चीज़ें होगी उसमें अच्छा उसके ऊपर बनेगा जो उसके ऊपर बनेगा जैसा भी होगा और आर्क्यूट क्या था आर्क्यूट में था कि एक सेमी सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होगा द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी सर्कल विच कैरीड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बाय द आर्क और द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी सर्कल विच कैरीड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर
अब ट्राइबिट में क्या है, ट्राइबिट में है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द टू वर्टिकल एंड टू वर्टिकल कॉलम्स एंड वन हॉरिजेंटल बीम से कैरीड द वेट ऑफ द रूफ से डोर से एंड विंडोज यू कैन से। अब उसके बाद जो ट्राइबिट कहता है कि ट्राइबिट को हम क्या कहते थे, कोर बेल्ट भी कहते थे। ट्राइबिट इज ऑल्सो नोन एज द कोर बेल्ट, CORBELT, कोर बेल्ट टेक्निक इस पे कहा गया है। और जो आर्कूट है, आर्कूट में क्या होता है, की स्टोन वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर, एक सेंटर में क्या होगा, एक की स्टोन रखा जाएगा। अच्छा हमारे जो ट्राइबिट के जो एग्जाम्पल हैं क्या हैं, ये है कौवत अल इस्लाम, QUWWATAL-ISLAM, मॉस्क एट दिल्ली, कौवत अल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था, पीछे देखना आप जहाँ पर ट्राइबिट हमने लिखा होगा। अच्छा आर्कूट में द की स्टोन वॉज कॉल्ड ट्रू आर्क। अब जो की स्टोन है उसका सेंटर जो की हुआ उसका आर्क आर्कूट में जो सेंट्रल जो स्टोन है उसे ट्रू आर्क कहा गया है। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आर्कूट का अलाई दरवाज़ा एट दिल्ली, अलाई दरवाज़ा एट दिल्ली। ओके अब जो आर्कूट होगा क्या होगा, राउंडेड होगा मिडल से, और जो ट्राइबिट होगा आर्क वाज पॉइंटेड फ्रॉम द मिडल। तो यहाँ पर ट्राइबिट में क्या करेंगे, मिडिल जिम आर्क को पॉइंटेड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज शिखरा। शिखर क्या है, शिखरा शिखरा इज अ सुपर स्ट्रक्चर अबव द मेन श्राइन गर्भगृह इन विच मेन डायटी इन प्लेस्ड इन द टेम्पल। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखरा वॉज द मोस्ट टेडियस एंड लॉन्ग लास्टिंग टास्क इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स द टॉप पार्ट और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल इज नोन एज द शिखरा। व्हाट इज पित्रादुरा, पित्रादुरा फिर से रिपीट हो गए हैं, और शिखरा और पित्रादुरा इसमें हमारे। पित्रादुरा इज एन आर्किटेक्चरल टेक्निक मोस्टली यूज इन द बिल्डिंग ऑफ शाहजहां, शाहजहां के टाइम में ये यूज हुआ करता था। तो यहाँ पर इस वाले टेक्निक में क्या होता है, कलर्ड हार्ड स्टोन वर प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व, डिप्रेशन से कार्व, डिप्रेशन कार्व मीन से उसको घिसाई करना इनटू मार्बल से और सैंड स्टोन से, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मुगल चारबाग गार्डन। अब चारबाग गार्डन में क्या क्या चीज़ें हुआ करती भाई, अभी इनमें क्या कहा गया है, ये द गार्डन वॉज प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोज्ड इंक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू फोर क्वार्टर्स बाई आर्टिफिशियल चैनल्स। गार्डन कैसे हुआ करते थे, जो इनके फोर रेक्टेंगुलर वॉल होती थी और जो क्या होते थे अगर बंद होते थे इंक्लोजर्स, और जिनमें फिर थे फोर आर्टिफिशियल चैनल्स है इन द चार भाग से। नेक्स्ट यू कैन राइट द फोर डिविजन्स वर सिमेट्रिकल, द फोर डिविजन्स वर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स इक्वल कैन से। उसके आप चार भाग का एग्जाम्पल लिख देंगे, जो उसमें हमने हमारे पास एग्जाम था, एग्जाम्पल था कि अकबर ने भी वहाँ पर चार बाग, वहाँ पर सॉरी ये आगरा के आसपास भी चार बाग बनाए गए थे, जिन्हें रिवर फ्रंट गार्डन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो टेम्पल्स थे दे वर द नॉर्थ सेंटर ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटीज, द टेम्पल्स वर बिलोंग टू द प्रेस्टीज ऑफ द किंग ऑन दैट टाइम, किंग की प्रेस्टीज से भी ये बिलोंग करते थे, एंड द ऑफन द नेम्स ऑफ किंग एंड द मेन डाइट वर सिमिलर फॉर द जो क्या होते थे किंग और जो उसके जो गॉड होते थे टेम्पल जिस नाम से होते थे उनके नाम लगभग मिलते जुलते होते थे। उससे क्या होता था, एज लाइक द राज राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय द राज 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 राधा देवा फॉर द वर्शिप ऑफ द राज राजेश्वरम, ये हमने कहा ना।
अच्छा उससे आगे फिर हम कह सकते हैं कि जो टेंपल थे, टेंपल जो थे अदर सबऑर्डिनेट डाइटीज इन द टेंपल सिम्बलाइट द एक्चुअल सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग। अब टेंपल में जो एक मेन गॉड होते थे और उनके क्या होते हैं सबऑर्डिनेट गॉड हुआ करते हैं। अब जो सबऑर्डिनेट गॉड हुआ क्या क्या शो करते हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग, जो राजा के सहयोगी टाइप से। फिर हम कह देते हैं कि द टेम्पल वॉज ए मिनारेट या मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज। टेम्पल क्या था, एक मिनिएचर मॉडल था रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज, एलाइज मीन सहयोगी हैं उसके। नेक्स्ट फिर कह सकते हैं कि दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स। अब वो क्या करते थे, जो किंग्स हुआ करते वहाँ पर वो पूजा पाठ क्या करते, दे कैन वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर, हाउ वॉज दिस इमेज क्रिएटेड। ओहो इट्स सो इम्पोर्टेंट यू कैन से। अब यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा है कि दीवाने खास में कि दिस इज द पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स हेवन, इट इज द हेवन ऑन द अर्थ, तो इसका मतलब इट्स हियर, इट्स हियर, ये तो पृथ्वी का स्वर्ग यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दीवाने खास था वहाँ पर ऑडियंस हॉल कह सकते हो उस वक्त, इन द रेड फोर्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ द पैराडाइज ऑन अर्थ सम ऑफ द मेन फीचर्स। तो उसके जो अब इसका कहने मतलब है कि वहाँ जो किंग था, किंग और जो उसके कॉमन पीपल था उनके बीच के जो कम्युनिकेशन था इतना आसान था, इतना ईजी था, कॉमन था कि लोग क्या सोचते थे यही पृथ्वी का स्वर्ग है, उसको उन्हें स्वर्ग मान लिया था। आप कह सकते हैं कि एम्परर थ्रोन वॉज प्लेस्ड इन वेस्ट डायरेक्शन, जो राजा होते थे वो अपने जो थ्रो गद्दी को कहाँ रखते थे, थ्रोन को वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में क्या उनका किबला था, नहीं वो मक्का, मक्का जहाँ था वहाँ, अब वहाँ पर उसने अपने बैठने का भी वेस्ट डायरेक्शन में किया था किबला। देयरफॉर एम्परर वॉज इक्विटेड विद द प्लेस ऑफ गॉड इन इस्लाम, तो वहाँ पर जो उनने क्या मान रखा था उस एम्परर को एज ए गॉड मान लिया, क्योंकि उनके यहाँ जो मोहम्मद थे या मक्का था वो वेस्ट डायरेक्शन में था। तो फिर कह सकते हैं एवरी वन हु अटेंडेड द कोर्ट फेस्ड वेस्ट अ डायरेक्शन फेस्ड बाई द मुस्लिम सुहाइल प्रेइंग। अब जो वहाँ पर कोर्ट में बैठते थे उनकी जो डायरेक्शन होती थी वो भी वेस्ट की ओर हुआ करती थी, क्योंकि उन वो लोग क्या करते थे वेस्ट को उनका मक्का था, तो इसका इसका मतलब क्या था कि वो भी एक वर्शिप टाइप का माना जाता था। और एक आप कह सकते हैं कि जो किंग थे उस समय इतने लोगों के साथ जस्टिस करते थे कि इक्वल जस्टिस, तो लोग उनको क्या मानते थे एज ए गॉड मानते थे, इसलिए भी वो क्या कहते हैं इट इज़ द पैराडाइज ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरी वन द रिच एंड द पुअर द पावरफुल एंड द वीक रिसीव्ड जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। तो इसमें कहा गया है कि जो जस्टिस सिस्टम था उसमें कैसे इक्वली था करके, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो राजा थे वहाँ पर एक वो लोग और रिसीव्ड जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर, तो उन्होंने क्या किया था बहुत सारे राजाओं ने अपने एक बेल क्या डोरबेल टाइप की बनाई थी, जो उस बेल को बजाएगा तो उसका इसका मतलब क्या था राजा उसको अपने पास बुला लिया करते थे। अच्छा तो इससे क्या होता था कि राजा का अब कहीं कोई आदमी बहुत दूर राजमहल तक नहीं भी पहुंच पाता तो राजमहल के मेन गेट पर एक ऐसी बेल लगी रहती थी, राजा समझ जाते थे कि किसी को ज़रूरत है करके, वो तुरंत उसको अपने पास बुला के उसे जो भी वांटेड डिसीजन होता था वो दिया करते, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प क्या करते थे हैं। अच्छा तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहांबाद। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
Here, the Yamuna played a significant role in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad. So it may be your first sentence. It plays a significant, means important role. Okay, next sentence you can write. The imperial palace commanded the riverfront in the new city of Shahjahanabad in Delhi. The imperial palace commanded the riverfront in the new city of the Shahjahanabad in Delhi. Next sentence is that only specially favored nobles such as Dara Shikoh were given access to the river. Only specially favored nobles, NOBLES. तो कुछ विशेष लोगों को यहाँ पर क्या किया गया था, कुछ परमिशन दी गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल द अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना. इट मीन्स जो अदर लोग थे वो थोड़ा अपने जो घर बनाएंगे दूर बनाएंगे हैं यमुना रिवर से. ऑल द सिटी ऑफ शाहजहांबाद वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द वन साइड ऑफ रिवर यमुना वेयर एज इन आगरा the construction were done on both sides of the river Yamuna. The city of Shahjahanabad was established on the one side of river Yamuna, whereas in Agra the construction were done in on both side of the river Yamuna. तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो यहाँ पर river Yamuna आगरा के आसपास वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था वन साइड में हुआ करता था, और लेकिन जो रिवर यमुना के आसपास था वहाँ बोथ साइड में हो रहा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. नेक्स्ट इज द लेट्स डिस्कस द रिच एंड पावरफुल कंस्ट्रक्ट लार्ज हाउसेज टुडे इन व्हाट वेज वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स एंड देयर कोर्टियर्स डिफरेंट फ्रॉम इन द पास्ट. इट मीन्स यू राइट योर सेल्फ दिस आंसर. तो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर जो पावरफुल आजकल हम टास्क देख रहे हैं या बिग हाउसेज देख रहे हैं वो कैसे डिफरेंट हैं उस समय पास्ट के उससे हैं. आप कह सकते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स वर डन ओवर अ लार्ज एरिया विद स्पेशल रॉ मटेरियल सच एज ब्रेड सैंड स्टोन मार्बल्स डायमंड्स एटीसी. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड बिल्डिंग्स हैड प्लान फॉर वाटर सिस्टम टैंक्स एंड गार्डन्स. थर्ड, द डायरेक्शन वर ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन. डायरेक्शन वर ऑफ द स्पेशल कंसिडरेशन मीन्स जो उनकी डायरेक्शन हुआ करती विशेष रूप से इम्पोर्टेंस था उसका. जैसे उन्होंने कहा कि द थ्रोन ऑफ द किंग वॉज दीवाने खास इन द वेस्ट डायरेक्शन. The new innovations were always welcomed in the construction by the kings. I like the Pitradura, जो डिज़ाइन थी नई नई सब क्या थी इन राजा उसका वेलकम किया करते थे. Buildings made by kings often had fusion of regional architecture such as गुजराती राजस्थानी एंड बांग्ला डोम से. तो नई बिल्डिंग थी नई टाइप के जो रीजनल आर्किटेक्चर थे उसे शो करते थे, जिनमें हम गुजराती राजस्थानी और बांग्ला डोम्स वाला स्ट्रक्चर कह सकते हैं. फिर कह सकते नेक्स्ट इज द इट कैन बी अज्यूम्ड द बिल्डिंग्स ऑफ नोबल्स मस्ट है नॉट हैव हैड द सच फीचर्स. जो अदर जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो फीचर होगा वैसा नहीं होगा. अब ये कहते हैं कि यहाँ पर फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है. लुक एट फिगर नंबर 4. हाउ कुड दैट बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्ट फास्टर टूडे. अच्छा फिगर नंबर 4 में, अच्छा आजकल अब अच्छा वहाँ पर जो कहा गया था टेंपल की शायद बात की थी और जिसमें इंग्लैंड बात बनाने की बात कही गई थी. तो आजकल क्या करते हैं, आजकल क्रेन और हैवी मशीन से लगा देते हैं. सो यू कैन से बाय द यूजिंग ऑफ द क्रेन्स एंड हैवी मशीन्स एंड बोल्डेजर्स वी कैन बिल्ड द faster construction nowadays while it was doing with the help of the inclined path or the number of the laborers on the past times. ये आप कह सकते हैं, जैसे आप देखते हैं आज